जो तो ये राम मंदिर 22 तारीख का फंक्शन जो है ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। हिंदू धर्म के जो हमारे लीडर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने कहा है कि वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया है। इसीलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इनकार किया वहां जाने का। जहां तक धर्म की बात है, हम सब धर्मों के साथ ये कहना चाहते हैं कि जो भी जाना चाहता है जा सकता है, कांग्रेस पार्टी से जा सकता है, बट वी कैन नॉट बी पार्टी टू अ पॉलिटिकल फंक्शन। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस व्हेन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द आरएसएस आर प्रिंसिपल ओपोनेंट्स हैव कैप्चर्ड अ फंक्शन एंड टर्न्ड इट इनटू अ इलेक्शन फंक्शन। जब अपनी ही पार्टी में अन्याय करें, राम भक्तों को राम जी से दूर रखने का प्रयास करें, तो राम भक्त कहां उनकी सुनने वाले हैं। इसलिए कांग्रेस में भी उनकी नहीं कोई सुन रहा। और मैं तो ये कहूंगा, एक के बाद दूसरे घमंडिया गठबंधन के नेताओं ने कभी सनातन धर्म को कुचलने की बात कही, अपमानित किया, हिंदुओं के बारे में अनाप शनाप बयान दिए, कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा जहां तुष्टीकरण की राजनीति के चलते हिंदुओं को अपमानित करने में कांग्रेस या सहयोगी दल पीछे रहे हों। और कल तक कहते थे कि 3 किलोमीटर दूर मंदिर बन रहा है, वो भी झूठा पड़ गया। एक के बाद दूसरा बयान घमंडिया गठबंधन के नेताओं के आ रहे हैं राजनीति करने के लिए, सुर्खियों में बने रहने के लिए और राम मंदिर से दूरी बनाए रखने के लिए। ये स्पष्ट तौर पे दिखता है कि ये लोग एक और हिंदुओं को अपमानित करेंगे, राम मंदिर से दूरी बनाए रखेंगे और उसके लिए बयानबाजी कोई ना कोई उल्टी सीधी करती रहेंगे। ना इन्होंने कभी भगवान राम को माना, ना आज मान रहे हैं। ये कल तक भी भगवान राम को काल्पनिक बताते थे, राम मंदिर का विरोध करते थे, यहां तक कि रामलला का मुकदमा लड़ने के लिए जहां एक और पूरी ताकत राम भक्तों ने लगाई थी, दूसरी ओर से कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने अपने वकीलों को खड़ा करके मुकदमा हराने का हर संभव प्रयास किया। ये तो विश्वास ही नहीं करते कि मुकदमा जीत कैसे गए, 2 सालों में राम मंदिर बन कैसे गया। ये तो कांग्रेस को और इनके सहयोगी दलों को उतनी ही पीड़ा हो रही है जितनी शायद उनको भी होती हो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।